लेक हम पहले भी देखा चुका ये वाला पुष्कर का लेक। आज हम शाम को आया यहाँ पर घूमने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा अभी भीड़ कम है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ बंदर का प्रॉब्लम है। तो किस टाइम में बंदर आके आपको प्रॉब्लम कर सकते, बट अभी पूरा घाट में कोई नहीं है क्योंकि अभी शाम हो चुका। ये है आपको पुष्कर का घाट है। एक्चुअली यहाँ पर काफी सारा यहाँ पर आदमी आता है नहाने के लिए, क्योंकि ये एक तीर्थस्थान है जो यहाँ पर नहाने के बाद इसको पुण्य मिलता है। उसके पहले गंगोत्री बा आपका हरिद्वार ऐसा कुछ, ये वहाँ पर नहाने के बाद यहाँ पर आके एक बार नहाना पड़ेगा, उसके बाद इसको पुण्यत्व मिलेगा। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। पहले भी आप वीडियो में देखेगा वो उधर से हम बनाया था थोड़ा सा वीडियो, आज पूरा आया इधर घूमने के लिए। उधर आपको पूजा चल रहा है, अरे पूरा लेक है, अच्छा है। तो चलिए आगे जाता हूँ, उधर एक बम्बा टेम्पल है, बम्बा टेम्पल के घूमने के लिए चलिए। पुष्कर का मैं अभी जस्ट वो बाजार आपको दिखाया था, वो बाजार दिखाने के बाद हम फिर से दूसरे साइड में जो लेक का है उधर आ गया। आप देख सकते नीचे आपका ऐसा व्यू आएगा, ये पूरा पुष्कर आपका राउंड में आपको लेक
का साइड में आपको सब जगह में मंदिर मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। हम थोड़ा नीचे चलता हूँ तो वहाँ से आपको पूरा हम दिखाता हूँ कैसे है। बट लेक आपको शाम सुबह दिखाया था, शाम को भी दिखाया, अभी अंधेरा हो गया। लेक का साइड में सब मंदिर में आपका लाइट जल गया, उसके बाद जो आपका नजरा आएगा वो आपको दिखाता हूँ। इस तरफ का आपका पूरा के पूरा ये व्यू आएगा, कितना अच्छा लग रहा है देखो। पूरा लेक में थोड़ी बात और भी लाइट जलेगा, उसके बाद अच्छा लगेगा। चिली लेक का इस साइड थोड़ा ज़्यादा जगह है आपको साइड में घूमने के लिए, बट उस साइड आपको थोड़ा आपका घाट है, मंदिर है, इसीलिए जगह नहीं मिले थे। तो अभी यहाँ पर कितना बड़ा जगह है, यहाँ पर आकर बैठ सकते हो, ठीक है, सारा दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी थोड़ा लेक का पानी कम हो गया कि विंटर है इसीलिए, तो ये बरसात में पूरा लेक भर जाता, ऊपर तक चला जाता एकदम पानी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लेक। तो सुबह तो हम उस बड़ा दूर में जो टेंपल था उसका हम दिखाया था, और भी दिखा देते हैं। दूर में देखिए ऊपर जो लाइट जल रहा है एकदम दूर में, उस टेंपल में हम गए थे। जस्ट हम अभी हम आया यहाँ पर आपका जयपुर घाट में, जो हॉस्टल से आपका कितना 800-900 मीटर का बीच में पड़ेगा। तो इधर में आया था हम तो घूमने के लिए, तो देखा ऐसा माहौल है इधर, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। काफ़ी सारे यहाँ फॉरेनर बैठा है, कुछ इस टाइप का गाना नाचना होता है यहाँ पर, इसका ट्रेडिशनल है। आगे से हम देखा हूँ ट्रेडिशनल के यहाँ पर, जयपुर का जो ट्रेडिशनल डांस होता है, गाना बज रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
चिल कर रहा है, और काफ़ी सारे यहाँ पर फॉरेनर भी आते हैं जो लोग यहाँ पर बैठता है उसका मजा लेता है। यहाँ पर पुष्कर में एक्चुअली सबसे बड़ा ये है आपको होली में, होली में ठीक इसी जैसे आपको माहौल देखने का मिलेगा। तो आप होली का आप लोग ऑनलाइन में देख सकते हैं, यूट्यूब में कोई भी वीडियो डालता है पुष्कर में, सब फेमस है होली है। तो उस टाइम काफ़ी सारा फॉरेनर आता है, होली खेलता है, मज़ा लेता है, गाना चलता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलता हूँ, आगे बात करता हूँ। तो हम लोग उधर से आ गया, अभी हॉस्टल में हूँ, खाना डिनर कर लिया, खाना खा कर एकदम आ गया पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पर आपको मेरे को ब्लॉग ख़त्म करना होगा क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जा रहा है, इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ मेरे साथ आप लोग रहे, मेरे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बोलिए कहाँ से आप देख रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, तब तक देखते हैं मेरा चैनल, वीडियो, सब कुछ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल सुबह हम लोग जाएंगे जैसलमेर, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, बाय।